हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वो मुख्यतया किन क्षेत्रों में या किन राज्यों में पाए जाते हैं और उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, साथ ही कुछ और बातें भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। पहले हम ये जानते हैं कि वनस्पति होती क्या है। पेड़ पौधों के समूह को ही आसान भाषा में वनस्पति कहा जाता है। और यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो पौधों का वो समूह जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के लंबे समय तक उगा रहता है, जैसे कि वनों में पाई जाने वाली वनस्पति, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, क्योंकि वो किसी भी बिना बाहरी हस्तक्षेप के या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ही लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। साथ ही प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी और जलवायु परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। चूंकि भारत में मिट्टी और जलवायु कंडीशन की बहुत ज्यादा विविधता है, इसलिए भारत में अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमें इन्हीं वनों को देखना है। तो भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। इन्हीं पांचों वनों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। अब इसमें भी दो कैटेगरी के वन हमें देखने को मिलेंगे, एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय का मीनिंग क्या होता है? जिन क्षेत्रों में तापमान साल भर लगभग ठीक ठाक बना रहता है, ज्यादा बना रहता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। और सदाबहार का मतलब क्या होता है कि जो साल भर ही हरे भरे बने रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जलवायु कंडीशन कैसी होनी चाहिए? तापमान ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस साल भर होना चाहिए। साथ ही वर्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होनी चाहिए। इनकी विशेषता क्या है? ये सघन होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं, ये सदा हरे भरे रहते हैं, जिन्हें सदा हरित कहा जाता है। और परतों वाले होते हैं। परतों वाले मतलब कि इनमें नीचे से ऊपर की तरफ अलग अलग हाइट वाले पेड़ पौधे मिलेंगे। सबसे नीचे आपको मिलेंगी झाड़ियां और बेलें, उससे मीडियम हाइट पे मिलेंगे आपको मध्यम कद वाले पेड़, और सबसे ऊपर रहेंगे आपके बहुत लंबी हाइट वाले पेड़। तो चूंकि ये परतों वाले होते हैं, तो बहुत ज्यादा घने, हरे भरे और सदा हरित रहने वाले दिखाई देते हैं। इनमें वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक भी होती है, और चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो इस कारण इन वृक्षों की लकड़ी बहुत ज्यादा कठोर मानी जाती है। इनमें कौन से वृक्ष या वनस्पति मुख्य रूप से मिलते हैं? तो एनी, इबोनी, रोजवुड और महोगिनी इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रोजवुड कौन से वनों में पाया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। अब भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें कहां देखने को मिलेंगे? जहां पर तापमान ठीक ठाक रहेगा, यानी 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? ऐसे क्षेत्र एक तो है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। एक है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। पश्चिमी घाट कहां पर है?
भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसका पश्चिम में आपको पश्चिमी घाट नामक की पहाड़ियां मिलेंगी, और उसके पश्चिमी ढाल पर चूंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वहां पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चूंकि यहां भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहां पर भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एक तो उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियां, एक अंडमान निकोबार, और दूसरा है आपका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियों में। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बाद आएगा नंबर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में। हालांकि ये इतने ज्यादा हरे भरे नहीं होते हैं, फिर भी ये दूसरे वनों की अपेक्षा हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें वर्षा कम होती है। क्या विशेषता है इनकी, ये सदाबहार और आद्र पर्णपाती वनों के बीच वाला एरिया है। अभी देखेंगे हम आद्र पर्णपाती वन क्या होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष कौन पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, होलक और केल। कहां कहां पे पाए जाते हैं, जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उनके आसपास वाले उन क्षेत्रों में जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में जहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार में जहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उसके आसपास वाले उन क्षेत्रों में जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे टाइप के वन पे, जो कि है उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब क्या होता है, पर्णपाती मतलब कि वो पेड़ या वो वन जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। जब ऐसा मौसम आता है, जब बरसात कम होती है, वर्षा कम होती है, तब इन पेड़ों को अपनी पत्तियां गिरानी पड़ती है ताकि इनका पानी का वेस्टेज ज्यादा न हो। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन। कौन से जलवायु क्षेत्र में, उन जलवायु क्षेत्र में जहां पर बारिश 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्या विशेषता है, क्योंकि इनमें आर्द्रता में कमी आ जाती है इसलिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष या वनस्पति कौन सी मिलती है, आंवला, महुआ, हुर्रा, कुसुम, सेमल, शीशम, साल, सागवान, चंदन। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सागवान या चंदन कौन से वनों में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वनों में मिलते हैं हमें साल, सागवान, चंदन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुख्य रूप से इनका यूज होता है इमारती लकड़ी के रूप में। कहां पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे हमने देखा था कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, और इसके पूर्वी ढाल पर जहां पर बारिश थोड़ी कम होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिवालिक के सहारे जो तराई क्षेत्र है, शिवालिक कहां पर है, हिमालय की जो तीसरी श्रृंखला है, जो सबसे दक्षिण में श्रृंखला है, उसके सहारे जो तराई वाला क्षेत्र है, एक दलदली क्षेत्र है, वहां पर भी आपको उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत या उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय का जो गिरिपथ क्षेत्र है, मतलब हिमालय के तलहटी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी होते हैं। इनमें बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी कि आद्र पर्णपाती वनों से भी कम बारिश होती है। क्या विशेषता है इसमें, कि इसमें शुष्क ऋतु शुरू होते ही पत्ते झड़ जाते हैं। जो पर्णपाती वन है उनमें पत्ते झड़ेंगे ही झड़ेंगे, यानी कि साल के कुछ महीनों में कुछ समय के लिए ये सूखे लगेंगे वन।
इनकी जड़ें लंबी होती है ताकि ये गहराई से पानी प्राप्त कर सके और अपनी पानी की पूर्ति पूरी कर सके। इनमें कौन कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं? बैल, खैर, तेंदू, पलास और अमलतास। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पलास कौन से वनों में पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मिलते हैं। कहां कहां पे पाए जाते हैं ये? उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदानी भाग यहां पर है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार वाला क्षेत्र। तो इनमें जो मैदान वाला क्षेत्र है नदियों के द्वारा बनाया हुआ, वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तरी गुजरात और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वनों में मुख्य रूप से झाड़ियां पाई जाएगी या कांटों वाले पेड़ पाए जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। तो कौन से जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी कि बहुत ही कम बारिश होती है। क्या विशेषता है? आर्द्रता बहुत कम है, नमी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है और पौधे लगभग पूरे वर्ष ही पत्तों से रहित और झाड़ियों जैसे होते हैं। तो ये पौधे फिर सर्वाइव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे रह पाते हैं इतने कम पानी में? देखिए, इनकी जड़ें एक तो बहुत ज्यादा लंबी होती है और उन लंबी जड़ों की वजह से ये नीचे से पानी प्राप्त करते हैं। दूसरा, इनकी पत्तियां जो होती है वो बहुत छोटी होती है, गुदेदार होती है और कांटों के रूप में होती है ताकि सूर्य के तेज प्रकाश के कारण, सूर्य की तेज उष्मा के कारण जो वाष्पीकरण होता है वो इन पेड़ों में, इन पत्तियों में कम हो और पानी का लॉस कम हो। तो इस प्रकार इनमें कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये ऐसे सूखे क्षेत्रों में भी जिंदा रह पाते हैं। मुख्य रूप से इनमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बेर, बबूल, खैर, खजूर, नीम, खेजड़ी, पलास। तो क्वेश्चन आएगा कि खेजड़ी किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पाया जाता है। अगर वितरण की बात की जाए कि कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, तो एक तो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पंजाब का उधर वाला क्षेत्र जो कि राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ आता है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, चूंकि वो सूखा क्षेत्र है, बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलते हैं। एक हरियाणा वाला क्षेत्र, पंजाब के पास में ही हरियाणा वाला क्षेत्र, राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से घिरा हुआ है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वनों का प्रकार है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं उन्हें पर्वतीय वन कहा जाता है। अब पर्वतीय वन को भारत में हमें दो रूप से देखना है। एक तो उत्तर भारत में, जहां पर मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला मिलती है, वहां के पर्वतीय वन जिसे हम उत्तरी पर्वतीय वन कहते हैं, और दूसरा दक्षिण भारत में, जहां पर मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के रूप में हमें पहाड़ियां देखने को मिलती है, वहां पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें दक्षिणी पर्वतीय वन कहते हैं। तो एक एक करके हम उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन को देखते हैं। पहले देखते हैं उत्तरी पर्वतीय वन, जो कि मुख्य रूप से हिमालय में देखने को मिलेंगे। पर्वतों के साथ एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तापमान कम होता जाता है और जलवायु कंडीशन चेंज होती जाती है, और जैसे ही जलवायु कंडीशन चेंज होगी वैसे ही हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति और वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इन हिमालय क्षेत्र में सबसे नीचे जहां उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, वहीं सबसे ऊपर चूंकि तापमान बहुत कम हो जाता है इसलिए वहां पर टुंड्रा वन और टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी। हिमालय में जो क्षेत्र तिब्बत की ओर है, हिमालय में जो क्षेत्र, इस मैप से आप देखिए कि हिमालय में जो क्षेत्र तिब्बत की ओर है, चूंकि वहां बारिश बहुत कम होती है इसलिए वहां पर शुष्क वन या शुष्क वनस्पति देखने को मिलेगी। वहीं
इस तरफ जो दक्षिणी ढाल है, भारत की तरफ जो ढाल है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वहां पर आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की वनस्पति देखने को मिलेगी। अब हिमालय के पर्वतीय वनों में अलग अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलेंगे जो कम ऊंचाई से बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। तो सबसे नीचे जो पेड़ देखने को मिलेंगे तलहटी में, हिमालय के सबसे नीचे, वहां पर पर्णपाती वन मिलेंगे, यानी कि वहां पर ऐसे वन मिलेंगे जो कि पत्ते गिराते हो। वहीं जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 1000 से 2000 मीटर, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे, थोड़े से कम पत्ते गिराते हैं। फिर आप पश्चिम बंगाल वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर सदाबहार वन देखने को मिलेंगे जो साल भर हरे भरे रहते हैं, और इनमें ओक, चेस्टनट आदि वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो हमें इतनी सारी चीजें एग्जाम के लिए याद नहीं रखनी है, हमें मेन चीज जो याद रखनी है वो है कि हिमालय के क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ मिलेंगे। तो आप पेड़ों के नाम याद रख लीजिए, ओक और चेस्टनट, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और विशेष रूप से ये हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अलावा चीड़ भी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाला पेड़ है। देवदार, चिनार, वालन, ये भी पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाले वृक्ष हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा देवदार कौन से वनों में पाया जाता है, तो ये हिमालय के पर्वतीय वनों में पाया जाता है। ब्लू पाइन, स्पर्स, एल्पाइन वन, चारागाह क्षेत्र, ये भी जैसे जैसे आप हिमालय के ऊपर बढ़ते जाओगे वहां पर ये वनस्पति और इस प्रकार के चारागाह देखने को मिलेंगे। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोडोडेंड्रॉन कहां मिलेगा, तो ये हिमालय में बहुत ऊपर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। और सबसे ऊपर ऊंचाई पे आपको टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी जिसमें मॉस और लाइकन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप मुख्य रूप से एक तो देवदार, चिनार, चीड़, चेस्टनट, ओक और रोडोडेंड्रॉन को जरूर याद करें कि ये हिमालय वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि जो दक्षिण भारत में वन मिलते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो दक्षिण भारत में जो वन मिलते हैं, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं वो दक्षिणी पर्वतीय वन कहलाते हैं। और ये किन क्षेत्रों में मिलते हैं, ये दक्षिण भारत के तीन क्षेत्रों में मिलेंगे। एक तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, जो दक्षिण भाग के पश्चिम में पश्चिमी घाट नामक की पहाड़ियां हैं वहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पे मिलती है वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर भी ये दक्षिणी पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मध्य भारत में जो विंध्यांचल की पहाड़ियां हैं वहां पर भी इस तरह की वनस्पति देखने को मिलेगी। इसमें जो दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियां है वहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब कि शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, मतलब ऐसा एरिया जहां का टेम्परेचर मीडियम रेंज में हो, न ज्यादा गर्म है और न ज्यादा ठंडा है, बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो इन क्षेत्रों में ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं उन्हें स्पेसिफिकली शोला कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा शोला क्या है, तो जवाब होगा दक्षिणी भारत की ये जो पहाड़ियां है नीलगिरी, अन्नामलाई, इन पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलती है, उन्हें कहा जाता है शोला। अच्छा, दक्षिणी पर्वतीय वनों में कौन कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी, अगर पहाड़ में नीचे आप जाओगे तो तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए वहां पे उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी। वहीं पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्रों में जहां पर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी। कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना और वेटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंकोना वृक्ष हमें कहां देखने को मिलेंगे, तो दक्षिणी भारत में जो दक्षिणी पर्वतीय वन है वहां पर देखने को मिलेंगे। और इनका वितरण कहां है,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट, विंध्यांचल, नीलगिरी, सतपुड़ा, मेकॉल, ये जो पहाड़ियां हैं जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में आती है, यहां पर आपको दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वन है अपना मैंग्रोव वन। ये एक स्पेशल प्रकार की वनस्पति है जो कि डेल्टा क्षेत्रों में मिलती है। डेल्टा क्षेत्र हम बात कर चुके हैं, डेल्टा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कि नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपने मुहाने पर दलदली क्षेत्र बनाती है, उसे ही डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। इस डेल्टा क्षेत्र में समुद्र द्वारा बहुत ज्यादा खारा पानी मिलाया जाता है, इसलिए इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति उगती है और इस वनस्पति को कहा जाता है मैंग्रोव वन। विश्व में जहां पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, मुख्य रूप से ये मैंग्रोव वन वहां देखने को मिलेंगे। साथ ही कौन सी कंडीशन चाहिए, ये डेल्टा के जो दलदली क्षेत्र होते हैं जहां पर मुख्य रूप से खारा पानी मिलता है, वहां पर ये मैंग्रोव वन होते हैं। अब इनमें ऐसी क्या खासियत होती है कि ये दलदली क्षेत्रों में भी जिंदा रह सकते हैं, साथ ही ये समुद्र के खारे पानी के प्रति भी सेंसिल होते हैं। एक तो इनकी पत्तियों में सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, मतलब कि इनकी पत्तियां नमक बाहर फेंकती रहती है। जब जड़ें नमक को अपने अंदर लेती है तो पत्तियां फिर बाहर फेंकती रहती है। और दूसरा कि इनके जो बीज है वो सीधे ही नहीं गिरते हैं, बल्कि बीज छोटे से पौधे के रूप में बदलकर फिर पानी में गिरते हैं, ताकि वो दलदली क्षेत्रों में जिंदा रह सके और उनका ग्रोथ हो सके। साथ ही जड़ें इनकी बहुत लंबी और विस्तृत होती है। क्यों होती है जड़ें बहुत लंबी और विस्तृत? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में या डेल्टा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा चक्रवात और तूफान आते हैं, तो इन चक्रवात और तूफान के कारण ये पेड़ उखड़ न जाएं, इसलिए इनकी जड़ें बहुत लंबी और बहुत विस्तृत होती है, पूरी एक दूसरे में फैली हुई जकड़ी हुई होती है। साथ ही इनमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, अनेक प्रकार के पेड़ मिलेंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। मैंग्रोव वन में मुख्य वृक्ष कौन से मिलते हैं? नारियल, बेत और सुंदरी। भारत में मुख्य रूप से ये मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में। सुंदरबन नामक एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा बनता है। तो पश्चिम बंगाल में ये सुंदरबन डेल्टा है, यहां पर मैंग्रोव वन मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर महानदी का डेल्टा है उड़ीसा क्षेत्र में, वहां पर भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। नीचे आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है, तो यहां पर भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन बेसिकली कहां देखने को मिलते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में। तो जहां जहां नदियां डेल्टा बनाएगी वहां पर मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। यदि विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव वन की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वाला मैंग्रोव वन है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। और चूंकि इस पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदर वन। तो ये था भारत में पाए जाने वाले वनों के मुख्य पांच प्रकार। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि भारत में वनों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इनमें सबसे मुख्य कदम है वन संरक्षण नीति, जो कि आजादी के बाद पहली बार 1952 में आई थी और 1988 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। यानी कि जो लेटेस्ट वन संरक्षण नीति है वो है वन संरक्षण नीति 1988। इस वन संरक्षण नीति 1988 में एक इंपॉर्टेंट बात की गई थी कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने ही होने चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वन संरक्षण नीति
क्या कहती है कि भारत में कितने प्रतिशत एरिया पर वन होने चाहिए, तो जवाब होगा 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। अब इस वन संरक्षण नीति 1988 में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो हमें एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सतत पोषणीय वन प्रबंधन। क्या होता है? तो सतत पोषणीय वन प्रबंधन में वनों के संरक्षण के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले लोगों की जरूरतों पर भी ध्यान देना होता है। मतलब वनों का संरक्षण भी होता रहे, साथ ही मानवों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। तो ऐसा वन प्रबंधन करना है जिसमें सभी का पोषण हो, वन भी बचे और मानव की जरूरतें भी पूरी होती रहे। दूसरा कंसेप्ट है सामाजिक वानिकी, या जिसे कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। तो समाज और ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, इसलिए जो बंजर भूमि है उन पर वन लगाने हैं और उन वनों का उचित प्रबंधन करना है ताकि समाज और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। इस सामाजिक वानिकी को तीन भागों में बांटा गया है जो कि 1976 में आए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा बांटा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक वानिकी के कितने भाग है, तीन भाग है। और ये तीन भाग किसके द्वारा किए गए, ये 1976 में आए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किए गए। कौन कौन से ये तीन भाग है? पहला है शहरी वानिकी। शहरी क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक भूमि पर, किसी की प्राइवेट भूमि हो या सरकारी भूमि पर हो, उस पे वृक्षारोपण करना है और उनका प्रबंधन करना है ताकि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से लड़ा जा सके, वहां की वायु स्वच्छ होती रहे। दूसरा है ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण क्षेत्रों में यही काम करना है, वृक्षारोपण करना है और उनका उचित प्रबंधन करना है। लेकिन ग्रामीण वानिकी के दो हिस्से हैं, एक तो है कृषि वानिकी और एक है सामुदायिक वानिकी। कृषि वानिकी में कृषि क्षेत्र पर एक तरफ खेती करनी है और आसपास आपको पेड़ या वन लगा देने हैं। तो कृषि वानिकी मतलब जो कृषि योग्य भूमि है, साथ ही जो बंजर भूमि है उस पर पेड़ और फसल एक साथ लगाना है, कृषि प्लस वानिकी। दूसरा है समुदाय वानिकी, जो सामुदायिक सार्वजनिक भूमि है, जैसे कि स्कूल का क्षेत्र हो गया, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में आपको पेड़ लगाने हैं, इसे ही कहा जाता है समुदाय वानिकी। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कृषि वानिकी क्या है, तो खेती प्लस पेड़ लगाना क्या कहलाता है, कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी का तीसरा भाग है फार्म वानिकी, जहां कृषि वानिकी में खेती और वन या पेड़ दोनों लगाए जा रहे थे, वहीं फार्म वानिकी में जो आपके लाभदायक पेड़ है, फल वाले जो पेड़ है, वो लगाना और उनसे लाभ कमाना। तो फार्म वानिकी क्या है? किसानों द्वारा अपने खेतों में जो व्यापारिक महत्व के, जो लाभ के महत्व के पेड़ है, वो पेड़ लगाना किस में आएगा, फार्म वानिकी में। तो ये थे सामाजिक वानिकी और उसके तीन भाग। अब हमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखनी है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला है खेजड़ली आंदोलन। 1780 में राजस्थान में जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव है, वहां पर अमृता देवी विश्नोई नाम की एक बहादुर महिला द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को बचाए जाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें 300 से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि खेजड़ली आंदोलन किससे संबंधित है, ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। नाम याद रखना है अमृता देवी विश्नोई जी, किन से जुड़ी हुई है, ये वन संरक्षण से जुड़ी हुई है। और कहां की बात है, ये राजस्थान की बात है। ऐसा ही एक आंदोलन अभी कुछ साल पहले ही, लगभग 40 साल पहले देखने को मिलता है, चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था और इनके अगुवा थे सुंदरलाल बहुगुना। इन्होंने पेड़ों तथा हरियाली को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वनों को हम वितान घनत्व के आधार पर किस प्रकार बांट सकते हैं। पहले समझते हैं वितान घनत्व क्या होता है। वितान घनत्व को हम आसान भाषा में समझे तो एक पेड़
कितनी छाया देता है उसे ही कहा जाता है वितान घनत्व। तो किसी क्षेत्र में वितान घनत्व ज्यादा है इसका मतलब वहां पर पेड़ ज्यादा है, और किसी क्षेत्र में यदि वितान घनत्व कम है इसका मतलब वहां पर पेड़ कम है। तो पेड़ ज्यादा या पेड़ कम के आधार पर हमें वनों को बांटना है। पहला है अति सघन वन, जहां पर वितान घनत्व 70% से ज्यादा हो, मतलब जिस एरिया में 70% एरिया पर पेड़ लगे हो तो वो वन क्या कहलाएगा, अति सघन वन कहलाएगा। वहीं जिस क्षेत्र में वितान घनत्व 40 से 70% हो वो वन कहलाएंगे मध्यम सघन वन। फिर है 10 से अगर 40% वितान घनत्व हो तो वो कहलाएंगे खुले वन, और यदि 10% से कम हो वितान घनत्व तो वो वन कहलाएंगे झाड़ी वन। तो यहां से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यदि वितान घनत्व 10% से कम हो तो वो कौन से वन होंगे, झाड़ी वन होंगे। उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झाड़ी वनों में वितान घनत्व कितना देखने को मिलेगा, 10% से भी कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि भारत वन रिपोर्ट क्या है, भारत में वन और वृक्ष कितने हैं इसकी स्थिति को बताने के लिए एक रिपोर्ट निकाली जाती है जो कि हर 2 साल में निकाल जाती है। ये निकालता कौन है, ये भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है। ये पहला सर्वेक्षण आया था 1987 में, जब भारतीय वन नीति आई थी, वन संरक्षण नीति आई थी 1988 में, उससे 1 साल पहले से ये सर्वेक्षण निकाला जा रहा है, ये रिपोर्ट निकाली जा रही है। और अभी लेटेस्ट नवीनतम सर्वेक्षण, नवीनतम रिपोर्ट जो है वो 2021 में आई थी और वो 17वां सर्वेक्षण है। इसमें किया क्या जाता है, आपको उद्देश्य ध्यान रखना है कि भारत में कितने वन है और कितने वृक्ष है, उनकी स्थिति का जायजा लिया जाता है इस भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में। लास्ट पॉइंट हमें देखना है, ये कुछ वनों से जुड़ी हुई या प्राणियों से जुड़ी हुई या वनस्पति से जुड़ी हुई कुछ 3 बॉडीज हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, दूसरी है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और तीसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण। इन तीनों की स्थापना हमें पता होनी चाहिए। ये आजादी से बहुत पहले 1890 में हुई थी, यह भी आजादी से बहुत पहले 1916 में स्थापित हुई थी, और यह आजादी के बहुत बाद 1981 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय, इन दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। ये तीनों एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली बॉडी है, जिस मंत्रालय का नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। शॉर्ट में आप याद रखें, ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली बॉडीज है। तीनों का उद्देश्य क्या है, चूंकि इसके नाम में वनस्पति है तो ये वनस्पतियों पादपों इनका सर्वेक्षण करते हैं और इन पर रिसर्च करते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये प्राणियों का सर्वेक्षण करते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। और भारतीय वन सर्वेक्षण क्या करता है, वन संसाधनों का सर्वेक्षण और रिसर्च करते हैं। तो इन 3 बॉडीज से रिलेटेड हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये था भारत की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।